9 साल की उम्र में हत्या के आरोप में जेल और 44 साल की उम्र में बिहार विधानसभा की चौखट पर दस्तक, वह भी लगातार वोटों के बढ़ते पैमाने के साथ। जी हां, यह उस बालक अनंत सिंह की कहानी है जो अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह तो था ही, राजनीति में भी अजात शत्रु साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। आज एक कहानी अनंत सिंह की। एक अजीब सच अनंत सिंह के साथ रहा है, पार्टी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। वह जेडीयू से भी लड़े और आरजेडी से भी, यहां तक कि निर्दलीय भी लड़े, पर जनता उनके साथ रही। लेकिन जनता की सहमति से सत्ता की जो यात्रा अनंत सिंह ने शुरू की, उस पर विराम कोर्ट के एक आदेश ने लगाया। आर्म्स एक्ट में सजा हुई, विधायकी भी गई और अब उपचुनाव के मुहाने पर एक बार फिर अनंत सिंह अप्रोक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनकी बागडोर उनकी पत्नी संभाल रही है। मुकामा का जिक्र करते ही अनंत सिंह का चेहरा जहन में आता है। रुबीली मूछें, काला चश्मा और स्टाइलिस्ट हैट, इन सबको अपनी पहचान बनाने वाले अनंत सिंह की दबंगई ना सिर्फ उनके चेहरे पर नजर आती है बल्कि अखबारों की सुर्खियां भी बनती हैं। अनंत सिंह का जन्म बिहार के बाढ़ जिले के लदमा गांव में 1967 में हुआ। उनके घर में उनके बड़े चार भाई थे। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की पहले से ही इस इलाके में खासी दबंगई चलती थी। दिलीप सिंह कांग्रेस के विधायक और श्याम सुंदर धीरज के बूथ कम जाने का काम भी करते थे। बाद में उनकी लालू यादव से नज़दीकियां हो गई और मोकामा से ही उन्होंने आरजेडी की सीट पर चुनाव लड़कर श्याम सुंदर धीरज को मात दिया। बचपन से ही अनंत सिंह भाई से दबंगई और सियासत दोनों के गुण सीखते रहे। इस दौरान अनंत के सबसे बड़े भाई बिरई सिंह की हत्या हो गई थी। इस बात को अनंत सिंह हजम नहीं कर पाए। कहते हैं ना, वो किसी भी कीमत पर अपने भाई के हत्यारे को मारना चाहते थे। अनंत सिंह को खबर मिली कि उनके भाई का हत्यारा नदी की दूसरी तरफ आया हुआ है, तो उन्होंने तैरकर नदी को पार किया और भाई के हत्यारे पर हमला किया। बताया जाता है कि अनंत सिंह ने ईंट पत्थर से ही मारकर अपने भाई के हत्यारे को मौत की घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अनंत सिंह का खौफ कई गुना बढ़ गया। आसपास के लोग उनसे डरने लगे। 90 की दशक आते आते अनंत सिंह का मुकामा और उनके आसपास के इलाकों में खासा रौब हो चुका था। भाई की वजह से आरजेडी तो अनंत सिंह के रिश्ते थे ही। इसी दौरान नीतीश कुमार की नज़र भी अनंत सिंह पर पड़ चुकी थी। 1996 की लोकसभा चुनाव के दौरान जब पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ा, तो उन्होंने अनंत सिंह को याद किया। नीतीश से अनंत सिंह की नज़दीकियां आरजेडी को पसंद नहीं आ रही थी। अनंत सिंह के ऊपर अब तक कई संगीन मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन उनकी सेहत पर इसका कभी कोई असर नहीं पड़ा। राजनीतिक पार्टियों से उनकी करीबी पहचान हमेशा से ही उनके काम आई है। इसके अलावा मोकामा का जातीय समीकरण भी हमेशा से अनंत सिंह के पक्ष में रहा। नीतीश कुमार ने जब अनंत सिंह को सीट दी तो कई तरह के सवाल उठे। एक तरफ नीतीश कुमार अपराध मुक्त बिहार के एजेंडों पे काम करते थे और इसी एजेंडे के साथ उतरे थे, वहीं दूसरी तरफ आपराधिक छवि वाले अनंत सिंह को सीट देकर वो कटघरे में खड़े हो गए थे। लेकिन बावजूद इसके नीतीश ने 2005 का ही नहीं बल्कि अगले चुनाव के भी अनंत सिंह को जेडीयू से टिकट दिया। इसके बाद से लगातार अनंत सिंह मोकामा से जीत हासिल करते रहे। जुल्म से राजनीति में आने वाले अनंत सिंह अपने स्टाइल को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते थे, चाहे हवा में AK-47 लहराने का मामला हो या फिर बग्गी में बैठकर विधानसभा तक जाने का। किसी न किसी रूप में उनकी खबरें टेलीविजन और अखबारों का हिस्सा बन जाती थी। महंगी कारों का शौक रखने वाले, घर में अजगर पालने की बात हो या फिर जानवरों के मेले में लालू प्रसाद यादव के घोड़े को ले जाने की, ऐसे अनंत सिंह के किस्से अनंत सिंह के साथ जुड़े नजर आते हैं। 2015 में एक बार फिर अनंत सिंह विवादों में आए।
इस बार मामला था एक लड़की की हत्या का। कहते हैं अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला के साथ बाजार में छेड़खानी की गई, जिसमें चार लड़कों के नाम सामने आए। कहते हैं अनंत सिंह के गैंग के लोगों ने उन लड़कों को उठवा लिया और उनकी इतनी पिटाई की गई कि एक की मौत भी हो गई। इस मामले में भी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 2015 में नीतीश कुमार ने भी अनंत सिंह से दूरियां बना ली। वजह थी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। लेकिन बावजूद इसके मोकामा सीट अनंत सिंह के पास ही रही। उनके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करवाई। 2020 तक हालात फिर बदले, लेकिन नहीं बदला तो अनंत सिंह का जीत का सिलसिला। इस बार अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव लड़े और लगातार चौथी बार मोकामा में अपनी जीत दर्ज की। लेकिन अब अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो चुकी है। वजह है 2019 का आम एक्ट का एक मामला। इस मामले में इसी साल जून में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा के बाद अपने आप उनकी विधायकी खत्म हो गई। अब 3 नवंबर को मोकामा सीट पर फिर से चुनाव होने वाले हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भले ही इस सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सभी जानते हैं पर्दे के पीछे अनंत सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। और वैसे ही रोचक कहानी के लिए आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड। नमस्कार।